तो आज इस सेशन में बात करेंगे क्लास 12 के आईसीएससी बोर्ड के, क्लास 12 आईसीएससी बोर्ड के ट्रिकोनोमेट्री को लेके। इसके पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे आईसीएससी ट्रिकोनोमेट्री के ऊपर, आज ये सेकंड पार्ट है आईसीएससी ट्रिकोनोमेट्री का। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ द ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन इन विथ रिस्पेक्ट टू सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। सो वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रिगार्डिंग सम्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन with regarding sums and difference of the angle। That means आपके पास दो angle है और ये दिया जाएगा, एक first angle है एक second angle है। जैसे कि अगर sine, एक trigonometry function sine और इसके और दो angle a plus b, अगर a को हम first angle पकड़ लेते हैं और b को हम second angle अगर बोलते हैं, तो sum of two angles के ऊपर अगर हम trigonometric function apply करें तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है और इस रिजल्ट को हम एप्लीकेशन करके किस टाइप का मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यही आज का टॉपिक है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि cos a minus b दैट मीन्स डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल a एंड b, उसके ऊपर अगर आप cos डालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, साइन ए प्लस बी, ज़्यादातर बच्चे इसको गलती करके लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सर साइन कौन है, मगर ये नहीं है, नॉट इक्वल टू साइन ए साइन बी। इसके लिए एक अलग फार्मूला है। द फार्मूला इज जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेन फार्मूला है साइन ए प्लस बी। आपको याद रखना पड़ेगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कैसे आ रहा है इसके लिए हम और एक अलग से वीडियो करेंगे इसके डेरिवेशन के ऊपर। तो ये नंबर वन फार्मूला। नंबर टू फार्मूला, साइन हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, ए माइनस बी के ऊपर। मतलब दो एंगल के डिफरेंस के ऊपर अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन को अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बहुत सिंपल है। अब अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन के लिए यहाँ पे भी प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, और बाकी जो है वो सिमिलर है। मतलब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्लियर। तो नंबर थर्ड फॉर्मूला जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ करने के लिए बहुत आता है, कॉस ए प्लस बी। मतलब दो एंगल के सम के ऊपर अगर हम कॉस अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। तो इसमें बहुत सिंपल है, कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, क्लियर। थर्ड फार्मूला। एंड फोर्थ फार्मूला आपका जो है वह है कॉस ए माइनस बी। अगर हम माइनस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और फार्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चार फार्मूला के मदद से आज का ये सेशन में हम बहुत मैथ सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो ये चार फार्मूला, फार्मूला नंबर वन साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, क्लियर। तो ये चार फार्मूला आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे टैन के ऊपर, टैन ए बी, ओके, टैन ए प्लस बी द फॉर्मूला। तो चलिए इस चार फार्मूला के मदद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम इस चार फार्मूला के ऊपर आता है और कैसे इसका समाधान पॉसिबल है। तो फर्स्ट मैथ इस चार फार्मूला के ऊपर, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल टू
9 by 41. So if sin A equal to 3 by 5 and cos B equal to 9 by 41, A and B are acute angles and A comma B are acute angles. Okay. Then you have to find out the value. Then आपको जो वैल्यू निकालना है वो है साइन, वो है पहले है साइन ए माइनस बी, और जो सेकेंड में जो है वो है कॉस ए माइनस बी. क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम पहले जिसको निकालेंगे वो है साइन ए माइनस बी, तो हम लिख ले रहे हैं सोल्यूशन. तो बच्चे सोल्यूशन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी. तो साइन ए माइनस बी करने से पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सिंपल है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. क्लियर? तो साइन ए का वैल्यू गिवन है मगर कॉस बी का वैल्यू वो भी गिवन है, मगर कॉस ए का वैल्यू गिवन नहीं है. तो हम यहाँ से कॉस निकाल लेते हैं. तो कॉस स्क्वायर कॉस ए इक्वल टू क्या होगा? हम लोग जानते हैं कॉस ए का फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए. क्लियर? अब हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं वन माइनस थ्री बाई फाइव होल स्क्वायर. तो थ्री बाई फाइव होल स्क्वायर दैट मीन्स नाइन बाई ट्वेंटी फाइव. नाइन बाई ट्वेंटी फाइव को अगर आप करते हो तो नाइन ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन दैट मीन्स सिक्सटीन बाई फाइव. सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स फोर बाई फाइव. क्लियर? तो यहाँ से आपका जो आ रहा है कॉस ए इक्वल टू फोर बाई फाइव. ओके, कॉस ए तो आपका आ गया. अब आपको साइन बी भी चाहिए, मगर यहाँ पे कॉस बी है. तो साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, साइन बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर बी. अब जस्ट यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए वन माइनस कॉस बी दैट मीन्स नाइन बाई फोर्टी वन होल स्क्वायर. क्लियर? आफ्टर सिंप्लीफाई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है वो है 40 बाई 41. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद 40 बाई 41. क्लियर? तो अब हम सिंपली इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे. तो साइन ए का वैल्यू दैट इज गिवन 3 बाई 5 इंटू कॉस बी. सो कॉस बी दैट इज 9 बाई 41. 9 बाई 41 माइनस कॉस ए. कॉस ए का वैल्यू कितना है? कॉस ए दैट इज 4 बाई 5 इंटू साइन इंटू साइन बी. साइन बी दैट इज 40 बाई 41. क्लियर? तो आपका नीचे जो है जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 205 आने वाला है. वो 205 और 27 माइनस 160 बाई 205, और इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो है माइनस 133 बाई 205. योर आंसर. क्लियर? तो अगर कोई दिया हुआ वैल्यू रहेगा तो जस्ट आपको उस वैल्यू के मुताबिक चलना पड़ेगा, और आपको जो इक्वेशन है उसमें आपको फिट करना पड़ेगा, तब तो आपका आंसर चला आएगा. क्लियर? तो ये गया क्वेश्चन नंबर वन. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के. तो क्वेश्चन नंबर टू के लिए क्वेश्चन नंबर टू को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू दैट इज कॉस ए माइनस बी. तो कॉस का फॉर्मूला तो आप लोगों को शायद पता है कि कॉस ए माइनस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी. अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी. अब आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे. कॉस ए का वैल्यू कितना है? कॉस ए का वैल्यू कितना है? कॉस बी का वैल्यू कितना है? कॉस ए दैट इज कॉस ए मीन्स आपका आएगा 4/5 इंटू कॉस बी दैट मीन्स कॉस बी आपका क्या है 9/41. ओके, प्लस साइन ए. साइन ए दैट मीन्स 3/5 एंड साइन बी दैट मीन्स 40/41. ओके, क्लियर? तो नीचे 205 इसका एलसीएम आने वाला है, और ऊपर 36 प्लस 120 दैट मीन्स 156 बाई 205 आपका जो आंसर है. क्लियर? तो ऐसे ही, तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आए तो आप ऐसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा. क्लियर? अब चलते हैं कुछ और मैथ्स को लेके. जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ
the value, find the value of, find the value of number 1 sine 5 pi by 12, number A sine 5 pi by 12, and number B that is cos pi by 12, cos sine 5 pi by 12 and cos pi by 12. Clear? So sine pi by 12, sine 5 pi by 12, तो इसको हम लिख सकते हैं sin pi by 12. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे sin 5 pi by 12. तो sin 5 pi by 12 दैट मींस 5 pi, pi मींस 180 डिग्री by 12. अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या आएगा 15, दैट मींस 75 डिग्री, दैट मींस sin 75 डिग्री. ओके, तो sin 75 डिग्री को आप कैसे ब्रेक करोगे, नॉन वैल्यू में आप इसको कैसे ब्रेक करोगे कि दोनों वैल्यू ही आपका नॉन वैल्यू हो. तो आप लिख सकते हो 75 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री. आप इसको ब्रेक कर सकते हो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री. 30 डिग्री मींस पाई बाय 6, अब तो ये जानते ही हो पाई बाय 6, क्योंकि 180 माइनस 6 दैट इज 30, और ये आएगा आपका पाई बाय 4, क्लियर, दैट इज 45 डिग्री. तो हम इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं, साइन को ब्रेक करके लिख रहे हैं पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4, क्लियर, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4. अब हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या आने वाला है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब मेरा यहाँ पे ए है पाई बाई 6 एंड बी है पाई बाई 4. तो अगर हम अप्लाई करते हैं तो साइन पाई बाई 6 दैट मीन साइन ए कॉस बी कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस ए दैट मीन्स कॉस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 4, क्लियर. अब साइन पाई बाई 6 दैट मीन्स साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, हाफ, तो हम हाफ लिख लिए. साइन पाई बाई 4 दैट मीन्स साइन 45 डिग्री, उसका वैल्यू कितना है 1 बाई रूट 2 प्लस कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना है रूट 3 बाई 2. ओके, एंड साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 बाई 2. तो अब तो आपका नीचे डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो है 2 रूट 2, ऐड करने के बाद जो आ रहा है 2 रूट 2, और ऊपर जो है वो रूट 3 प्लस 1, क्लियर. अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज दैट मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको कन्वर्ट करके इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. तो रूट टू है आपका इरेशनल नंबर, तो इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रूट टू से ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्लियर. तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रूट टू रूट थ्री प्लस वन, ओके, और इसके नीचे क्या होगा टू रूट टू इंटू रूट टू, क्लियर. तो रूट टू इंटू रूट थ्री, रूट टू इंटू रूट थ्री दैट विल बी रूट सिक्स प्लस रूट टू, और यहाँ पे रूट टू इंटू टू दैट रूट टू इंटू रूट टू टू, टू इंटू टू फोर. सो आपका जो आंसर आने वाला है वो है रूट सिक्स प्लस रूट टू बाई फोर, क्लियर. साइन पाई फाइव पाई बाई ट्वेल्व का वैल्यू जो आने वाला है वो है, तो वो क्या होगा, वो होगा रूट सिक्स प्लस रूट टू बाई फोर, क्लियर. अब डिस्कस करते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो हम लोगों का हो गया, ये नंबर प्रॉब्लम. अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर बी पर. तो प्रॉब्लम बी पे देखते हैं, प्रॉब्लम बी को तो प्रॉब्लम बी दैट इज कॉस फाइव पाई बाई ट्वेल्व, दैट मीन्स अगर पाई को आप 180 पकड़ते हो तो 180 बाई ट्वेल्व दैट इज आपका आएगा 15 डिग्री. तो 15 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो नॉन वैल्यू में 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री होगा. तो आप इसको लिख सकते हो 40 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, क्लियर. आप अगर इसको बिकॉज ये आपका 12 आएगा और ऊपर आपका पाई हो जाएगा, क्लियर. तो ये आपका नॉन वैल्यू है, हम नॉन वैल्यू से काम करेंगे, जिस वैल्यू नॉन है हम लोगों के पास, ठीक है. तो कॉस ए माइनस कॉस बी, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, क्लियर. तो कॉस 45 डिग्री दैट द वैल्यू इज 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा,
cos 30 degree, that is half, obviously this will be half. Yes. Sorry, cos 30 root 3 by 2. As sine 1 by root 2 and sine 30 1 by half. So after ये negative, ये minus sign है. तो after simplification के बाद आपका जो answer आने वाला है वो है root 3 minus 1 by 2 root 2. अब आप इसको rationalize करोगे, मतलब ऊपर नीचे root 2 से multiplication करोगे तो ऊपर हो जाएगा root 6 minus root 2 और नीचे root 2 root 2 2 2 into 2 4. So ये है आपका answer. So B है आपका answer, root 6 minus root 2 by root 6 minus root 2 by 4. तो clear बच्चों, इस टाइप का प्रॉब्लम ऐसे ही आता है क्लास 12 के एग्जाम में और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. जस्ट आपको फार्मूला पे ध्यान देना है, फार्मूला आपको याद करना है, एक एंगल को ए पकड़ना है और एक एंगल को बी पकड़ना है, उसके बाद आपको फार्मूला यूज करते जाना है, बस आपका आंसर चला आएगा. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं टैन के फार्मूला के ऊपर. टैन, तो देखते हैं टैन का फार्मूला, टैन का फार्मूला क्या है उसके ऊपर बात करेंगे. तो tan a plus b equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. क्लियर. तो आज के लिए इतना ही वीडियो, इसके बाद वीडियो में हम tan के ऊपर मैथ्स लेके बात करेंगे. थैंक यू.